गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक एलिमेंट की कहानी। वो एलिमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन है। आज हम लोग कार्बन के विषय में जानेंगे। कुछ आइडिया, इतना आइडिया सारे स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट हम बनाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, फ्लोरिन्स बना के दिए आपको, ऑक्सीजन बना के दिए, अब मैं आपको कार्बन बना के दे रहा हूँ कि कार्बन के बारे में कुछ आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। मान ले आप, हमारा तो एक केमिस्ट्री में एक पार्ट ही है, ठीक है, कि पूरा कार्बन कंपाउंड की स्टडी करना, जिसको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग जानेंगे कार्बन का कुछ बेसिक आइडिया, क्या है कार्बन, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, ठीक है, कहाँ से आया है ये। ठीक है, सबसे पहले कार्बन क्या है। कार्बन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया है, कार्बो से। किससे आया है? कार्बो से। एक लैटिन वर्ड कार्बो से आया है कार्बन, जिसका मीनिंग होता है कोल, जिसका क्या होता है मीनिंग कोल होता है। कार्बन एक लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, जिसका मीनिंग क्या है कोल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कार्बन क्या है। लैटिन वर्ड कार्बो से आया है। किससे आया है? कार्बो, जिसका मीनिंग क्या होता है कोल होता है। इज इट क्लियर? अब कार्बन के विषय में जानेंगे। इसका सबसे पहले ये हमारा नॉन मेटल से, कार्बन क्या है नॉन मेटल है। कार्बन क्या है हमारा नॉन मेटल है। कार्बन है नॉन मेटल। कार्बन का ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बन का, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। वैलेंसी इसकी क्या है? चार है। वैलेंसी क्या है? चार है। कार्बन नॉन मेटल है, इसका वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इसका चार होता है। मीन्स ये चार वैलेंसी का मतलब ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, ये चार बॉन्ड बनाएगा, जिसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी कार्बन शो करता है। लिखा हुआ भी किताब में आप जानते हो। ठीक है, कार्बन के पास क्या है, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये लंबा चेन को क्रिएट कर सकता है, लंबा चेन बना सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन में काफी ज्यादा होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। यहाँ तक ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या होता है? कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस फोर भी होता है और माइनस फोर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव उस समय होगा जब ये नॉन मेटल के साथ बैठा हुआ होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ये नॉन मेटल के साथ बैठा हुआ, जैसे मान लें हम दे दिए CO2। तो कार्बन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकल के आएगा, क्या आएगा? प्लस फोर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्लस फोर आएगा। उसी तरह से अगर हम CA2 ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड मतलब कि कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन किसके साथ है? मेटल के साथ है। तो इस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, क्या आएगा? माइनस फोर आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये सब आइडिया है। नॉन मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस भी शो कर सकता है, प्लस भी शो करता है। वैलेंसी इसका चार होता है, मैक्सिमम फोर बॉन्ड ये बनाएगा। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसमें होती है। अब बात आता है, देखिए कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और इसका जो मास नंबर होता है 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर इसका 12 होता है, समझ रहे हैं? और ये कौन सा ग्रुप में बैठा हुआ है, ग्रुप नंबर इसका है, ग्रुप नंबर, ठीक है, ये 14 ग्रुप में। कार्बन किस ग्रुप में है? कार्बन फैमिली में 14 ग्रुप होता है कार्बन, समझ। तो अगर इसके पास 6 एटॉमिक नंबर है, 6 मास नंबर है, इसके पास प्रोटॉन 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और न्यूट्रॉन भी 6 हो गया, मतलब कह सकते हैं इसके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, बराबर है। सब क्या है? बराबर है इसके पास सभी को। ग्रुप किस में बैठा हुआ है? 14 में। किस पीरियड में है ये? इस पीरियड का नाम है इसका आपका कॉन्फिगरेशन, इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहला हो गया 1s2, 2s2 और 2p2। इसका पीरियड जो हो गया, इस किन सा पीरियड में है? पीरियड सेकेंड पीरियड में। किस पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में ये बैठा हुआ है, सेकेंड पीरियड में। और इसका सेकेंड पीरियड है, और ब्लॉक किस ब्लॉक में है, कौन सा ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 4 है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इतना आइडिया आपको हो गया
कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल से ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस हो कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बोर्ड पे, कौन सा ग्रुप में है, कौन सा पीरियड में है, कौन सा ब्लॉक में है, ठीक है। ये सारी बात क्लियर हो गया। अब देखिए कार्बन क्या है, हमारे जो यूनिवर्स में, हमारे जो ये आपका है कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट का क्या है, अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 0.025%, इसका 0.025% ओनली कार्बन है, बहुत कम है, कार्बन का जो संख्या जो है बहुत कम देख रहे हैं, आपको बहुत ही कम दिख रहा है, बहुत कम परसेंटेज है कार्बन, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन बनाता है, कार्बन बनाता है, ठीक है। कार्बन मैक्सिमम कौन सा कंपाउंड बनाता है, याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और जब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कार्बन क्या बनाता है बताइए, कार्बन बनाता है कौन सा कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड जो बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, किसके कैसा नेचर का होता है, डायरेक्शनल नेचर है। हाँ, डायरेक्शनल नेचर के कारण क्या होगा कि आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो करना शुरू करता है, अगर डायरेक्शनल नेचर है तो क्या करेगा, ये आइसोमेरिज्म बनाएगा, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बना सकता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बना सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बनाएगा, कैसा बनाएगा कार्बन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के भी दो प्रकार में ये बनाएगा, आइसोमेरिज्म कैसा, आइसोमेरिज्म बनाएगा एक स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ग्रुप या एटम का अरेंजमेंट होता है, वो 3D में होता है, क्या होता है, 3D में, थ्री डायमेंशनल होता है, उसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कार्बन में दो स्ट्रक्चर बनाएगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो क्यों करता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसमें डायरेक्शन होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, ये आपका आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करता है, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात है, अब कार्बन का देखिए हमारे पास कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, हमारे जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी जो बना हुआ, 20% ऑफ आवर बॉडी वेट, 20% ऑफ आवर बॉडी वेट मेडअप ऑफ कार्बन, मेडअप ऑफ कार्बन्स अलॉन्ग विथ और भी कुछ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके साथ साथ 20% हमारा बॉडी वेट है कार्बन का, जैसे कि मान लें कि कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे बॉडी में, एमिनो एसिड है, वहाँ भी कार्बन है, ठीक है, प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड से बना हुआ, एमिनो एसिड का पॉलीमर है, ये क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड के यूनिट को कनेक्ट कर दे बहुत सारे, तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन क्या है, कार्बन है। विटामिन हमारे बॉडी में है, वो भी उसमें भी क्या है, कार्बन्स मौजूद है, तो बहुत सारे एसेंशियल जो आपका कंपाउंड हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के लिए बनने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी है, क्या है, प्रोटीन है, तो क्या चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या है कि अगर कार्बन का आइसोटोप की बात करेंगे, मतलब कि इसके डिफरेंट फॉर्म में क्या क्या पाया जाता है, आपका कह सकते हैं ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्यूलरेंस है, ठीक है, ये सब क्या है, इसके आपका डिफरेंट फॉर्म है, इसको बोल सकते हैं एलोट्रॉप्स, बोल सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। और जो आप देख रहे हैं डायमंड क्या है, ऐसा देखिए नॉन मेटल है, सब जानता है कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है डायमंड के साथ कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर है, नॉन मेटल है लेकिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर है। क्यों ऐसा हो जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ही बन जाता है, इसलिए कि कार्बन का इसमें बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, तो इसलिए अपने आप में ये हार्ड हो जाता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है डायमंड्स में। ग्रेफाइट्स क्या है, एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट एलोट्रॉप्स है, जो कि आपकी पेंसिल, जिससे हम लोग पेंसिल्स जो लिखा करते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट्स होता है, ठीक है। फ्लोरेंस क्या है, उसके आता है 60 कार्बन का कलेक्शन होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी क्या है, एलोट्रॉप्स है कार्बन्स का। अब बात आता है कार्बन का आइसोटॉप्स क्या है, कार्बन का आइसोटॉप्स हमारे पास 3 आइसोटॉप है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तीन आइसोटॉप है। आइसोटॉप का मतलब समझ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होगा और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, एटॉमिक नंबर सेम और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, या भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे।
इसमें जो कार्बन 14 आइसोटॉप है, कार्बन 14 आइसोटॉप है, ये क्या है आपका ई फोसिल का, ठीक है, कार्बन डेटिंग में काम आता है फोसिल का, मतलब कि जो पुराने अवशेष है अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना दिन का है, इसका एज को पता लगाने के लिए, जो इसका एज को मेजर करने के लिए कब का है अंदर, कब अर्थ क्रस्ट के अंदर कब से दब के दबा हुआ है, उसका एज को पता करने के लिए, बहुत सारे एविडेंस को जानने के लिए, उसमें क्या है अंदर में क्या कुछ, मतलब कि आपका बहुत सारे छुपा हुए चीज़ को जो कि आदमी नहीं खोज पा रहा है, तो कार्बन डेटिंग के मदद से, कार्बन 14 आइसोटोप की मदद से उस फॉसिल का एज पता कर लेता है, उसके अंदर क्या क्या था उस समय वो सब भी पता हो जाता है। ये कार्बन के 14 आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग में काम किया करता है। ये सारे चीज़ आप देखते हैं, कार्बन एक तरह से बोलिए कार्बन हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कार्बन से हम लोग घिरे हुए हैं, कार्बन हमारे के लिए बहुत सारा यूज है। अब हम मेडिसिन खाते हैं, हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, इसे पैरासीटामोल खाते हैं जनरली, बहुत सारे जो जनरल मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन जो है उसमें कार्बन एलिमेंट जरूर उसमें पाया जाता है, कार्बन से बना हुआ होता है उसमें। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल में भी कार्बन है, लेकिन बॉडी जो ही बना हुआ, जैसे मान ले कि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी कार्बन का जरूरत पड़ता है, एज ए रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है वहाँ पे, तो वहाँ भी कार्बन का जरूरत है, तब जाके वहाँ पे भोजन ग्लूकोज तैयार होता है। तो प्लांट्स के लिए भी जरूरी है कार्बन, एनिमल्स के लिए भी कार्बन एसेंशियल एलिमेंट्स में ये काउंट होता है, समझ रहे हैं। तो आप फैब्रिक पहनते हो, बहुत सारे क्या बोलते हैं पेपर यूज करते हैं हम लोग, पेपर वगैरह ये सभी सब में भी क्या है कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे मान ले आप बहुत सारे जो एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक्स का मतलब है जैसे परफ्यूम वगैरह बनता है, डाइज वगैरह बनता है, उसमें भी क्या है कार्बन एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें भी कार्बन का एलिमेंट्स है, कार्बन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। पॉलीमर में कार्बन है, पॉलीमर का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को मिला देते हैं तो पॉलीमर बन जाता है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है पॉलीमर है, बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल को मिला देते हैं, इथिन में क्या है कार्बन है, वो उसके इथिन का कलेक्शन कर देते हैं पॉलीथीन बन जाता है। इलेक्ट्रिकल स्विच जो बना हुआ है, बैकेलाइट्स वगैरह है, ठीक है, पीवीसी होता है, पॉलीविनियल क्लोराइड, ये सब भी क्या है कार्बन है, पीवीसी का यूज होता है, रेनकोट वगैरह जो पहनते हैं उसमें होता है उसका यूज, वहाँ भी कार्बन है, मतलब कि कार्बन से हम लोग क्या है जुड़े हुए हैं, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन हर जगह यूज है, आपका दवा में यूज है, खाना में यूज है, पहनने में यूज है, आपका डेली का सामान में यूज करते हैं उसको हम, ठीक है, डेली सामान जो यूज करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं, पॉली बैग लेते हैं, बैग लगा के स्कूल जाते हैं, उस सब में क्या है कार्बन से बने हुए, कार्बन एलिमेंट उसमें मौजूद है। तो ये ओवरऑल आइडिया हुआ ये कार्बन का आपको मैंने दिया, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, फिर कोई नए एलिमेंट के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।